नहीं, बहुत गाढ़ा शहद हो रहा है और ये जो है ना शहद के साथ कलंजी लगा के दे रहे। अब अभी नहीं आ गए, कौन सा होटल है, कौन सा होटल है। सामने मस्जिद नबवी की मीनार दिखने शुरू हो गए हैं गाइस। और अब बेड मेरे मुन्ने का, भाई एक बेड तो मेरे मुन्ना ही ले लेगा पूरा। हाँ पापा नीचे सो जाएंगे और सब इधर सो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, सभी वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है भाई मक्का टू मदीना और आज हम जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं भाई। बहुत लोगों ने बोला था कि यार आप लोग ट्रेन का सफर करो, यार वो जो ट्रेन है ना वो मक्का से मदीना और मदीने से मक्का बहुत जल्दी जाती है, बट उसमें एक इशू था, उसमें बैग का बहुत ज्यादा इशू है। वो मैंने वीडियोस देखी लोगों की तो पता लगा कि यार उधर ना बैग का बड़ा मसला होता है। हमने फिर प्लान किया कि यार हम जो है ना वो आज गाड़ी करवाते हैं और गाड़ी में। So, आज का सफर बड़ा ही मजे का है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, या अल्लाह इतने प्यारी जगह पर बुलाया और अलविदा करते हैं। जितना शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का काम है। अब करते हैं कपड़े चेंज और चलते हैं मदीना। बैगेज हमने सारे पैक कर लिए। आपकी औलाद तो उठी नहीं अभी तक। कहाँ है मेरी औलाद? ओ मजे से सो रही मेरी औलाद। उठाते हैं 1 2 3 1 2 4। हाँ सही है भाई सही है, बहुत अंगड़ाई आ रही है। मक्का दिखा दिया, मदीना भी दिखाएंगे, गुम्बद खिज़्र देखना है, वहाँ पर दुआ मांगनी है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करना है। बासिल पापा का मुन्ना, अरे उठ गया, इतनी गरी है। अरे मॉर्निंग, अभी थोड़ी अंगड़ाइयां लेगा। अरे मॉर्निंग, आहा मॉर्निंग, पापा तो जा रहे हैं। उठ जा भाई, उठ जा। तो भाई पापा और बेटा हो गए हैं रेडी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो भाई इस ट्रिप की मास की आखिरी नमाज जुमा जमात के साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें निकलना है, और मैं जमात के साथ इसलिए नहीं पढ़ रही, सिर्फ इसलिए। चलो जी चलो, नीचे गाड़ी आ गई है, चलो 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 चलो। फटाफट से बैग उठा के रखते हैं इसके अंदर, तो आगे जाएंगे गाइस। ये बासिल के बैग है, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। सो भाई पापा और बासिल आगे बैठे, मैं और सबा इधर, मॉम पीछे। निकल चुके हैं मक्का से, और मक्का से मदीने का सफर जो है वो लगभग स्पीड लिमिट है क्योंकि काफी, तो 3.5 या 4 घंटे हमें लग जाएंगे। भूख काफी लगी है क्योंकि नाश्ता मैंने नहीं किया है। मॉम जो है वो नाश्ता सुबह सुबह कर आ जाती है। देखते हैं भाई रास्ते में हमें क्या क्या मिलता है खाने को, जाते जाते रात भी हो जाएगी। चलो भाई, अरे भाई एक स्टॉप ले लिया हमने मक्का में, यहाँ पर हम नाश्ता थोड़ा सा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर टूर है और कॉफी शॉप है और देखते हैं क्या किया। तो पापा और मैं निकल पड़े। यार बासिल के साथ हमें मजा भी आ रहा है और बासिल के साथ साथ हमें नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। ये होता है कि पहले हम सब उतर के शॉपों में जाते थे, देखते थे, बट अब बासिल को गाड़ी में ही रखते हैं और सबा को भी गाड़ी में रखते हैं। अरे वाह, उधर भी सामने बहुत सारी शॉप्स है, तो अच्छा सा कोई शवरमा खाते हैं। यार काफी टाइम से हमने शवरमा नहीं खाया। शवरमा लेना है, बर्गर लेना है? शवरमा लेते हैं। पहुंच चुके हैं भाई, अब देखते हैं कौन से शवरमा हमें लेना है। हमें तो स्पाइसी ले लो यार। स्पाइसी? आप स्पाइसी खा लेंगे? हाँ बोले भाई, जो हल्का शवरमा होता है ना वो बहुत ही ज्यादा कोई पीखा होता है। पानी भी पकड़ना है हम लोग, और यहाँ पर फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। हर फ्रिज के अंदर ना यहाँ पर फ्रूट बॉक्सेस अलग बने होते हैं, जूस बॉक्सेस अलग होते हैं, ये इनके अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक इन्होंने अपने खुद से बना के ना तो पहले सजाए हुए होते हैं। यार सऊदीया के अंदर एक चीज मैंने देखी है कि इबादत के साथ साथ काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि एक्सप्लोर करने वाली हैं। लाइक हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ आते हैं इबादत के लिए और इबादत करके वापस चले जाते हैं, तो और सऊदीया के बारे में चीजें एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। तो मैंने थिंक किया अपने दिमाग में कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना तो काफी लंबा आऊंगा सऊदीया, और इबादत के साथ साथ हम लोग सऊदीया को एक्सप्लोर भी करेंगे। जैसे सऊदीया के दूसरे शहर हैं और काफ़ी खूबसूरत शहर है, और इसी तरह यहाँ के खाने हैं, यहाँ की गाड़ियाँ हैं, लाइक यहाँ के रोड्स हैं, मतलब मज़े के यहाँ पर ना एक ट्रिप लग सकता है पूरे मंथ का। फॉर एग्जांपल शावरमा देख रहा था, इतना प्योर तरीके से इसने शावरमा बनाया है हमारे सामने, तो मज़ा ही आ गया देखकर। अब खाने में कितना मज़ा आएगा गाइस। यहाँ पर सारी लग्जरी कार्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि दुबई में होती है ना उस तरह ही सऊदीया में। अभी बकाला आ चुके हैं और यहाँ से हम कुछ अभी जूस पकड़ते हैं अच्छा सा। गाइस तमाम दुनिया जान के मशरूबात देख सकते हैं आप। ओए होए होए क्या बात है भाई, कौन सा ले रहे हैं बाबा जूस? यार ये वनीला है, बनाना भी देखो यार, बनाना फ्लेवर मिल नहीं रहा मेरे को। नहीं मिल रहा बनाना फ्लेवर? देखूं बोले मुझे बनाना बताओ। पापा ये बनाना है, आपने बोला और मिल गया। ये लो। मैं यहाँ से कुछ गरम सा देख लेता हूँ, पापा ने तो ठंडे ठंडे लिए, तो गरम मैं देख लेता हूँ। काफी सारे जूस ले लिए हमने। ओए जूसेस, मॉम जूसेस पकड़े।
इसमें कुछ आपके हैं, कुछ सबा के, कुछ मेरे, कुछ पापा के। शवरमा गाइस, मेरा नॉन स्पाइसी शवरमा आ गया। अभी खाते और बताते हैं आपको कि कैसा है। बनाया तो बड़ा प्रीमियम था। गाइस हम लोग 1 बजे निकल चुके थे और अभी 3 बज रहे हैं और महाराजा जो है वो आधे रास्ते में उठ चुके हैं। तो अभी भी हमें 2 घंटे हैं और हम हाईवे के ऊपर हैं इस टाइम। और अब जो है ना, हमारे 2 घंटे सुकून से गुजरे, अब 2 घंटे हम जो है ना वो थोड़ा सा तंगी में गुजारेंगे अपने। क्या चाहिए इसने, पता क्या किया है इसने, अपनी चुस्नी गिराई है, उसके बाद कुछ चुस्नी चाहिए अभी, अपनी खुद गिराई है इसने अभी। अभी आप लोग देखिएगा, पापा जूस पी रहे हैं भाई, पापा जूस पियेंगे भाई। गेम देखिएगा, इसको नहीं देगा, दबाएगा पहले, आप इसको खत्म करें, बिल्कुल थोड़ा रह जाएगा ना। कौन पिएगा भाई जूस, पहले इसको चखाए। अगर मैंने इसके हाथ पकड़ा दिया तो सारा गिरा देगा पूरी गाड़ी में। ये अगर इसके कपड़े खराब हो तो मैं आपके कर दूं। सेकंड स्टॉप है हमारा, यहाँ पर हम लोग डलवा रहे हैं डीजल और इन लोग को गाड़ी में बंद कर दिया अभी हमने। बाजिल जाग रहे, पापा कहाँ हैं, पापा तो इधर है, अब देखने इधर से आएगा, देखते जाओ। ये आ गया, आहा। अभी हमने स्टॉप लिया है, अभी हम यहाँ पर जो है पीछे नमाज पढ़ेंगे। असर की नमाज हो चुकी है बट हम खुद से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि हम रस्ते में थे। क्या कमाल का व्यू आ रहा है भाई, साफ एकदम ब्लू ब्लू आसमान। 22 रियाल का 27-28 लीटर डीजल आया गाइस, इतना सस्ता। क्या शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन अब ये सारा वो होता है, नॉर्मल होता है, प्लास्टिक वगैरह होता है, ओरिजिनल तो नहीं होती। ओरिजिनल वो एक पत्थर इतना महंगा होता है ना? तो पूरी तस्वीर कैसे बनाएंगे? यमन चेक, ये शायद मिलना है यहाँ पर, यमन का कुल्लू, यमन के सारा यमन है। बहुत गाढ़ा शायद हो रहा है और ये जो है ना शायद के साथ कलंजी लगा के दे रहे, तो बहुत मजे का शायद है, गाढ़ा गाढ़ा लेना है शायद, तो मजे का है अच्छा है। थोड़ा बहुत ले लेंगे, बहुत मजे का हो रहा है, शहद ले लिया, यमनी है, बहुत मजे का था, बहुत मजे का। क्या बात है यार, मतलब इतना मजे का शहद था कि टाइम नहीं लगा अपने खरीदने में। वेलकम जी, किधर से हो भाई? बॉम्बे। बॉम्बे, बॉम्बे इंडिया, वहाँ बॉम्बे छालियाँ मिलती है? मजाक कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। यहाँ पर टाइम हो रहा है 5:40 और मास भी सो रहे हैं और बासी भी सो गया, भी सो रहा हूँ, पापा जाग रहे हैं, मम्मा भी जाग रही हैं और मैं भी जाग रही हूँ। मास उठ जाए, आ गया। तो जनाब पहुंच चुके मदीना और 1 घंटा जो है मैं सो गया था, लो फील हो रहा था थोड़ा सा, तो अभी नींद पूरी हो चुकी है थोड़ी सी और अब मदीना ही आ गए। कौन सा होटल है, सामने मस्जिद नबवी के मीनार दिखने शुरू हो गए हैं गाइस, माशाल्लाह, और यहाँ से सारे होटल शुरू हो गए। चलो जी, चलो जी, चलो जी, आज रात को हमने गुम्बद-ए-खिज़रा की ज़ियारत करनी है। अभी पिक्चर में देख लिया हमने, बट चंद ही कदम पे है और रूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं और उसके बाद भूख भी ज़्यादा काफ़ी लगी है, तो खाना वाना खा कर फिर जाएंगे। किधर है रूम, किधर है, अरे ये आ गया, वो खुल गया, माशाल्लाह, आ जाओ जी। और पापा के रूम में हमारे बराबर में ही है। वाओ भाई, इतना पारा बेड मेरे मुन्ने का, भाई एक बेड तो मेरे मुन्ना ही ले लेगा पूरा। हाँ पापा नीचे सो जाएंगे और सब इधर सो जाएंगे। गाइस पहुंच चुके हैं भाई अपने होटल और रूम में भी आ गए, तो आप देते हैं भाई रूम थोड़ा सा टूर। हमने रूम टूर यार मक्का में नहीं दिया, समझ नहीं आया कि मैंने क्यों नहीं दिया। देखिए कितना प्यारा रूम लग रहा है यार ये गाइस, थोड़ा छोटा सा रूम है लेकिन बहुत प्यारा है, इधर स्पेस काफी ज्यादा है। हाँ गाइस यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हो आप, और दूसरा आपके पास ये माय फेवरेट, यहाँ पर चाय वाय बना सकता हूँ मैं। तो इसके साथ फिर आ जाते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। ओके यार, वॉशरूम का साइज बड़ा है। अच्छा अभी जहाँ मक्का में थे ना, जहाँ पर बेस्ट रूम था, उनके वॉशरूम का साइज थोड़ा छोटा था और इनके वॉशरूम का साइज काफी बड़ा है, तो रूम का छोटा है। इसी के साथ यहाँ पर अलमारी आ चुकी है। क्या है अलमारी में, अब खुल जा, अब क्यों नहीं खुल रही, वो अलमारी नहीं खुल रही भाई। चलो खैर देख लेंगे कब खुलती है। तो गाइस इधर से व्यू देख लेते हैं कैसा है हमारा व्यू। ओए ओए लॉक किया हुआ है, ओ भाई इन्होंने तो ये भी लॉक किया हुआ है, इधर से कोई व्यू नहीं है गाइस, यहाँ से कोई व्यू नहीं है, ये विदाउट व्यू है। मदीने में जो है हमने जो है ना अपना होटल वो व्यू वाला नहीं लिया, क्योंकि जहाँ पर हमने पिछली बार व्यू वाला लिया था ना, जब मम्मा और फरिया के साथ जब मैं आया था, तो जो लेडीज थी उनका रास्ता बहुत दूर पड़ रहा था, तो हमने इस बार बोला कि यार वो वाला व्यू नहीं लेना,
ताकि वहां से ना जो रास्ता है ना काफी लंबा पड़ता है। अब हम कर लेते हैं भाई अपना वेट और सबा को नहीं बताएंगे गाइस। ओ इतना वेट कम हो गया मेरा। पापा का रूम बड़ा है। अच्छा नहीं 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 मम्मा ये देखिए ना भाई थोड़ी सी जगह है। अब भाई गाइस पापा के रूम का भी विजिट करते थे थोड़ा सा। आए खुल जा सिम सिम। अरे पापा का रूम खुल गया। अरे वाओ आपका रूम भी बड़ा अच्छा है यार। हाँ अच्छा नहीं है। नहीं हमारा भी अच्छा है सेम ही है। यहाँ पर यहाँ पर जो है ना खिड़कियाँ बंद की हुई है प्रॉपर। उसको वॉशरूम दिखा रही है वॉशरूम है। फिर वॉशरूम में जाता है फिर वो तंग करता है बड़ा। अभी थोड़ा सा मुआवजा देते फटाफट से और चलते पे नीचे। हो चुके हैं फ्रेश और अब निकल रहे हैं भाई रोजा रसूल पे आज के दिन। लेट्स गो भाई। सो यस सो निकल चुके हैं भाई बासिल को लेके हम रोजा रसूल की ज़ियारत करवाने। माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह क्या रौनक लगी है भाई। गाइस इशा जो है वो हो चुकी है और आप देख सकते हैं लोग अभी भी मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं और अपना टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करते हैं ज़्यादा से लोग क्योंकि नमाज ख़त्म हो चुकी है और लोग अभी भी यहाँ पर हैं। तो लोग यहाँ पर बहुत मज़ा करते हैं समझो एक तरीके से लोगों को सुकून मिलता है मदीने में और लिटरली ऐसा ही है मदीने में बहुत सुकून मिलता है। मज़ा आएगा भाई आए हाय आए हाय आए हाय खुशी बड़ी हो रही है इसको। बैठो 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 खड़ा हो जाता है चलती हुई प्रांग में बैठो भाई। वो वक्त आ गया है जो कि गुम्बद खजरा को देखना शुरू कर रहे हैं हम लोग। वन टू आप लोग देखिए अगर सही नजर आए तो हम देखेंगे। हाँ आप लोग देखिए क्लियर व्यू है माशाल्लाह चले देख ले बासिल बासिल चलो बेटा गुम्बद फर्स्ट टाइम देखो चलो शाबाश चलो फिर पापा देखेंगे आप देख लोगे तो चलो चलो वो देखो वो ऊपर देखो वो देखो देख लिया है जी देख लिया है जी। गुड बाय दुआ करो बोलो अल्लाह ताला मुझे नेक इंसान बना और मुझे अपने माँ बाप का फरमाबरदार बना और मुझे लाइफ में कामयाब कर। तो जो मुसलमान परेशान हाल है उनको परेशानी से निकाल। ये बासिल से मिलने कोई फ्रेंड आया बासिल का। बासिल बासिल अपनी मस्ती में मगन है। क्या हो गया है बासिल? बासिल को चलना आ गया ना बस ये हमारे लिए ना क्या बोलूं क्या हो गया है। वहाँ पर मम्मा और माँ दुआ मांग रहे हैं अपनी अपनी अल्लाह हर किसी की दुआ कबूल करे। दुआ मांग ली है और बहुत बड़ी दुआ हो चुकी है हम लोग की। अब पहले छोटे से थे आबा तो छोटी दुआ होती थी जैसे जैसे इंसान बड़ा जाता है उसकी दुआएं भी बड़ी होती जाती है क्योंकि चीजें कुछ इतनी हो जाती है। बोला छोड़ दो मुझे बस अब जाओ छोड़ छोड़ दे आवा छोड़ दे आवा छोड़ दे। लाइक लोग जो हैं वो कहीं नहीं जा रहे वो बोल रहे हैं कि हम इधर ही बैठेंगे और बहुत मज़ा आ रहा है उन लोगों को जिस तरह हमें आ रहा है और जिस तरह आप सबको आता है जो नहीं आए उनको भी आएगा। अल्लाह ताला सबको बुलाए बहुत करीब है भाई और अल्लाह ताला के इस टाइम पे तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे कि खुद तो इंसान खुश रहता है बट दूसरों को तकलीफ में रखता है तो वो क्या बात हुई कि उसको ऑटोमेटिकली गम मिलता है। तो खुश रहो और खुश दूसरों को रहने दो तो दैट्स इट। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। खुशी की बात मैं बार बार इसलिए करता हूँ क्योंकि एक खुशी ही है जिसकी वजह से इंसान की मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ ईच एंड एवरीथिंग सेट होती है एक स्माइल से। किसी को हंसाना भी एक कला है और सवाब का काम है। देखो काम आ रहा है। अरे भाई किसी की चप्पल ना उठा लेना भाई। ओ भाई यार ओ भाई किसकी चप्पल उठा के स्लाइड कर रहा है। ओ भाई क्या सीख रहे हैं। अरे चप्पल ले जाए आंटी भाई बोले मेरी चप्पल कौन ले गया। ओ भाई ओ दूसरा बच्चा भी आ गया भाई। ओ बादल देख रहे ये कौन आ गया है। आंटी को पता नहीं आंटी वीडियो बना रही है अभी अपनी पल गायब हो गई आंटी की पता भी नहीं लगा कानों कान खबर नहीं आंटी को। अरे वाह भाई माशाल्लाह भाई टॉफी मिल रही है बासिल को भाई माशाल्लाह। बासिल को मदीने का पहला तोहफा मिल गया भाई। लाइक यहाँ पर जो बढ़ते रहे चीजें छोटी छोटी बच्चों के लिए अलग होती है बड़ों के लिए अलग होती है तो बासिल को अभी टॉफी मिल गई है। कैसे हो ठीक हो फ्रेंड। चलो जी चलो बैठो 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 आ जाओ। आहा बड़े मजे कर लिए अब चलते हैं खाने पे। करंट फेवरेट ओके जी तो डिनर करते हैं आगे मैं नहीं बता रहा तुम लोग बोलोगे भाई एक ही चीज बार बार खा रहा है। तो गाइस आज जो हम लोग बैठ के खाएंगे गाइस यहाँ पर डाइन इन करेंगे वरना हमेशा टेक अवे करते थे हम। ओके जी तो आ चुका है भाई हमारा ऑर्डर और आज हमने थोड़ी बहुत चेंजेस की है आप देख सकते हैं जैसे कि हमने चिकन बर्गर लिया है आज हमने ओ ये चिकन है हाँ और ये हमने लिया आज भाई फिश बर्गर भाई जरा फिश बर्गर जो देखो कैसा होता है यहाँ का। और एक चीज हमने और चेंज किया आज वो हमने लिए है श्रिम्स ये रे। ओ गाइस ये रे श्रिम्स और ये डिप किया हमने
तो मजा मजा कर जिम दिया और अब आपको फिश बर्गर बता देता हूँ, बाकी तो आपको पता है। मजे का फिश बर्गर भी तो खाते हैं भाई रात को खाना। सो भाई इस ब्लॉग को तो इधर से ही एंड करते हैं भाई, मजा आ गया खा पीकर। आप लोगों ने देखा था आपके भाई का पेट बड़ा कम है यार, तो ज्यादा खाना पड़ रहा है, तो आपके भाई ने सोच लिया है भाई जो फेवरेट हो ना आपका आप उसको दबा के खाओ ताकि आपको कम से कम भीड़ तो बढ़े। बस इस व्लॉग को फिर जो है इधर से एंड करते हैं, उम्मीद आपको पसंद आएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब मस्त मस्त कर दो। और आज मदीने का सफर था, मदीने आ गए हैं और गुंबद खजरा भी देख लिया है, खाना भी खा लिया रात का, काफ़ी थक चुके हैं यार, कभी लंबा सफ़र कर कर आएँ। तो बाय बाय, लाफ टेक केयर, और देखते हैं भाई कल क्या होता है। अच्छा वैसे यहाँ पर ना हमारे दो तीन जो लाइक सब्सक्राइबर की गैंग है ना, उनमें से एक दो फैमिलीज हमारी फ्रेंड बनी हुई है, तो जब भी हम आते हैं तो उनसे मिलते हैं। तो कल देखो हमें किससे मिलना है और परसों देखो हमें किससे मिलना है। 4 मिलियन जल्दी कराओ भाई इस साल से पहले पहले, तो मस्ट लाइक जल्दी करो, लाइक। थैंक यू।